गुड़गांव में सुबह से हो रही बारिश के बाद एक बार फिर से शहर जलमग्न हो गया है। इस वक्त मैं खड़ा हूं गुरुग्राम के नेशनल हाईवे के ऊपर और यहां पर आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस कदर जो पूरा सर्विस रोड है इस हाईवे के साथ साथ इस सर्विस रोड के ऊपर पानी भर गया है और इस सर्विस रोड के आसपास काफी सारी फैक्ट्रियां हैं। अब सुबह के समय में जब इन फैक्ट्रियां शुरू हुई हैं तो उसके बाद यहाँ पर जो लोग कामकाज के लिए आते हैं उनके लिए आने जाने के लिए कितनी दिक्कतें हो रही होंगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से ये लोग पानी को पार करके अपनी कंपनी में जा पा रहे हैं। अभी भी बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जो इस पानी में जो है फंसी हुई खड़ी हैं। काफी सारी व्यवस्था जो है एक तरह से प्रशासन की तरफ से की गई है जो कि हर साल दावा किया जाता है, ठीक उसी तरह से अब की बार भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक तरह से पाइप जो है वो लगाए गए हैं, पंप लगाए गए हैं इस पानी को निकालने के लिए, लेकिन सुबह से हुई बारिश के बाद काफी ज्यादा जल भरा हुआ है जिसकी वजह से पूरी जो सर्विस रोड है ये जलमग्न है और ये पूरी जो सर्विस रोड है ये हरोडा चौक से लेकर के जो नरसिंहपुर का जो इलाका है वहां तक ये जो सर्विस रोड है इसके ऊपर ये पानी भरा हुआ है। अब आप खुद देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है इस पानी को पार कर पा रहे हैं, किस तरह से इस पानी में से लोगों को होकर के गुजरना पड़ रहा है क्योंकि ये हर साल की कहानी है। गुरुग्राम में जब भी बारिश आती है ठीक इसी तरह से लोग जो है वो परेशान होते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए कि ये जो पंप है ये लगाए गए हैं ताकि इसका पानी जो है वो निकाला जाए, लेकिन हर बार की तरह अब की बार भी यहाँ पर काफी ज्यादा जल भरा हुआ है। लगातार सुबह से बारिश हो रही है जिसकी वजह से ये जल भरा हुआ है। काफी जो लोग हैं जो अपने कामकाज के लिए निकले हैं सुबह सुबह वो सभी लोग जो है इस पानी से होकर के उनको गुजरना पड़ रहा है और ये पानी इतने ज्यादा भर गया है कि अब ये पानी सर्विस रोड से मेन हाईवे की तरफ भी आ रहा है जिसकी वजह से अब आने वाले समय में जैसे जैसे दिन ढलेगा जाम की स्थिति भी पैदा होगी और ये जो पूरी एक तरह से जो जल भराव है ये अकेले एक तरह से नरसिंहपुर के इलाके का नहीं है बल्कि गुरुग्राम के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से जल भराव हुआ है। अतुल कटारिया जो चौक है उसका अंडरपास जो है उसको भी बंद कर दिया गया है क्योंकि सुबह से हो रही बारिश के बाद वहां पर काफी ज्यादा जल भराव हो गया है, इसीलिए अब आम लोगों की आवाजाही जो है उस अंडरपास से बंद कर दी गई है। तो कुल मिलाकर हर साल जो है एक तरह से ये दावा प्रशासन की तरफ से किया जाता है कि अब की बार बारिश में जल भराव नहीं होगा, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी ही है। कल ही अगर हम बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की एक मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में ये दावा किया था कि अगले एक सप्ताह में सब कुछ एक तरह से साफ सुथरा कर दिया जाएगा शहर को और जो भी जो जल भराव की समस्या है उसको खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन आज नतीजा आपके सामने है।